आर्नोल्ड चेस्ट 58 इंचेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव चेस्ट डेवलपमेंट इन द बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, अगेंस्ट द ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम वर्सेस रॉनी डोरियन और फिल हीथ. रॉनी कोलमन एट 300 pounds वॉज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव वेट फॉर एनी बॉडी बिल्डर, और आर्नोल्ड का वेट सिर्फ 235 pounds ही था. और आर्नोल्ड आज के हिसाब से ओवरऑल साइज तुम्हें तो नहीं जीत सकते, पर बॉडी पार्ट्स कुछ ऐसे थे आर्नोल्ड के पास जैसे चेस्ट डेवलपमेंट, जिसका आज भी कोई जवाब नहीं. और आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी आर्नोल्ड का साइड चेस्ट पोज बहुत ही डोमिनेंट था. आज भी बहुत सारे बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड के साइड चेस्ट पोज को भी मैच नहीं कर सकते. अब सवाल ये है कि आर्नोल्ड की ट्रेनिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, या आर्नोल्ड का चेस्ट डेवलपमेंट और या फिर उनके चेस्ट जेनेटिक फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे. अब ये डिबेटेबल है कि इस तरह के रिजल्ट किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज से उन्हें मिले हैं, या ट्रेनिंग रूटीन से, या कोई न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल जो वो फॉलो करते थे, और वो आर्नोल्ड के सुपीरियर जेनेटिक्स इसके या फिर इसके पीछे हैं. लेकिन सिर्फ आर्नोल्ड का चेस्ट सुपीरियरली डेवलप था इसके बॉडी पार्ट से आर्नोल्ड के शुरुआती सालों की बात की जाए, तो उनकी बॉडी किसी तरह की सुपीरियर जेनेटिक्स उनके चेस्ट में उस लेवल की नहीं थी. उनके बाइसेप्स लेट्स ज़्यादा डोमिनेटिंग दिख रहे हैं. आर्नोल्ड वहीं ब्रेड एंड बटर एक्सरसाइज परफॉर्म करा करते थे, जैसे कि बारबेल बेंच प्रेस परफॉर्म करते थे, डिप्स और डंबल फ्लाइज. ज़्यादातर इस एक्सरसाइज वो पावर लिफ्टिंग जैसी परफॉर्म करा करते थे. आर्नोल्ड इन सब एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे. ये बेसिक एक्सरसाइज ही जिम्मेदार थी उनके ओवरऑल फिजिक के लिए, जिन्हें उन्हें 7 बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता है. फिर उन्होंने कुछ ऐसी एडवांस एक्सरसाइज टेक्निक डेवलप की जिसने उनके पेक्टोरल मसल मास को और चेस्ट डेवलपमेंट को हेल्प किया, जो उनके चेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे डेवलप कराने में रिस्पॉन्सिबल थी. पर उन्होंने कोई ऐसी यूनिक एक्सरसाइज डेवलप नहीं की, लेकिन टेक्निक और उनके मूवमेंट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. और ऐसी दो टेक्निक जिसे आर्नोल्ड ने यूटिलाइज किया अपने सारे चेस्ट एक्सरसाइज में, फुल स्ट्रेच कंस्टेंट टेंशन ऑन द टारगेट मसल. अब इसे वे यूटिलाइज करते थे बारबेल बेंच प्रेस में. इसमें आर्नोल्ड बहुत ही वाइड ग्रिप को यूज़ करा करते थे फ्लैट बेंच और इंक्लाइन बेंच पर. वाइड ग्रिप ऑन बेंच प्रेस इन बॉडी बिल्डिंग के दो बहुत ही मेजर एडवांटेज होते हैं चेस्ट मसल्स में गेंस के लिए. फर्स्ट ये है कि लेस एजिस्टेंस मिलता है आपको ट्राइसेप मसल से. दूसरा, फुल स्ट्रेच ऑन पेक्टोरल मसल. जितना वाइडर होगी ग्रिप उतना लेस आपकी ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होती है. इस वाइड ग्रिप से आर्नोल्ड सिर्फ चेस्ट मसल को हीट करते थे और बारबल को ऊपर उठाते हुए लॉकिंग को अवॉइड करते थे, जिससे कंस्टेंट टेंशन चेस्ट मसल्स पे बना रहता था. वाइडर ग्रिप से आर्नोल्ड यूज़ करा करते थे, जिससे उनकी बेंच प्रेस और ज़्यादा चेस्ट स्पेसिफिक हो जाती थी, जो उनकी ट्राइसेप मसल के इन्वॉल्वमेंट को बहुत ही मिनिमाइज करती थी, जिससे उनके चेस्ट मसल्स को पूरी तरह से स्ट्रेच मिलता था. और बॉटम पोजीशन से आर्नोल्ड अपने टारगेट मसल को फुल स्ट्रेच पे हिट करा करते थे हर एक्सरसाइज में. इंक्लाइन प्रेस परफॉर्म करते वक्त बारबेल को अपने क्लेविकल तक टच करते थे. अब हाई बार प्लेसमेंट इंक्लाइन प्रेस परफॉर्म करते वक्त और फर्दर स्ट्रेच अपने चेस्ट मसल्स पर डाला करते थे. आर्नोल्ड की डीप स्ट्रेच और कंस्टेंट टेंशन सिर्फ वे इंक्लाइन और बारबेल प्रेस के अलावा वे फुल स्ट्रेच यूटिलाइज डिप्स पर भी किया करते थे. आर्नोल्ड डिप्स परफॉर्म करते वक्त अपने फीस्ट को अपने आर्म पिट के लेवल पर रखा करते थे, जो अलाउ करता था फुल रेंज ऑफ मोशन को उनके चेस्ट पे, जो उनके शोल्डर मोबिलिटी पे डिपेंड करती थी. अब बारबेल बेंच प्रेस की तरह ही होते हुए डिप्स में वो लॉकआउट नहीं करते थे. डिप्स और ट्राइसेप्स इंगेजमेंट ऊपर की तरफ रहता था, जो लॉकआउट को लिमिट करता था. और आर्नोल्ड कंस्टेंट टेंशन अपने चेस्ट मसल्स पे बनाए रखते थे. अब ये बहुत कॉमन थीम साउंड होता है कि ये तो सब बेसिक एक्सरसाइजेस है, बट आर्नोल्ड का फोकस सिर्फ स्पेसिफिक एक्सरसाइज अपने टारगेट मसल्स के लिए यूज़ करते थे. बहुत ही बेसिक लगता है, जो एक आर्ट लगता है बॉडी बिल्डिंग में, जो अब खो चुका है. आज कल के ट्रेंड में ऐसा होता है कि आप जितना वेट उठा सकते हैं, या ईगो लिफ्टिंग आप उसे कह सकते हैं,
जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज टारगेट करती है आपके मसल को, उसमें आप अपने वेट को इतना रख सकते हैं जिससे आप माइंड मसल को फोकस कर सकें और अच्छे माइंड मसल कनेक्शन और कंट्रोल के साथ आप ट्रेनिंग कर सकें, और अपने ईगो को असाइड रखते हुए आप अपने बॉडी के अंदर बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। ये था आर्नोल्ड की चेस्ट ट्रेनिंग, किस तरह उन्होंने अपने टाइम में वो चेस्ट डेवलप करके बताया, जो आज भी थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली स्टडी किया जा रहा है। थैंक यू।